आ, हमने जो आज की क्लास रिवीजन का काम शुरू किया था वालिक हमने रिवीजन का जो काम शुरू किया था उसी की एक सीक्वेंस है जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और जो बीच में जहां जहां गैप आता गया कि हमने रिवाइज करते गए तो पेपर बंद हो चुका है अब पेपर टू में तो आपको पता है कि फिक्स किस्म के चैप्टर्स होते हैं पेपर टू स्टैंडर्ड पेपर होता है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कम होते हैं उसमें जो बड़े चैप्टर्स हैं जो स्टैटिस्टिक्स है है ग्राफिकल सोल्यूशन है इस तरह के चैप्टर आते हैं जो कि बड़े चैप्टर है देखो स्टैटिस्टिक्स जो है वो हर साल पेपर में आता है स्टैटिस्टिक्स बड़ा चैप्टर है इसके मेन टॉपिक्स कौन से होते हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ डिस्पर्जन ये आ, ये स्टेटिस्टिक्स के मेन टॉपिक्स हैं मैं सबसे पहले रखूंगा मेथड्स ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन पिक्टोग्राम बार चार्ट चार्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हिस्टोग्राम पॉलीगॉन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और अब जो एक नया टॉपिक ऐड हुआ था आखिर में जो एक नया टॉपिक ऐड हुआ था वो था स्कैटर डायग्राम पिक्टोग्राम तो बहुत कम कम पेपरों में आता है बार चार्ट भी कम कम आता है पाई चार्ट बहुत रेगुलर आ रहे हैं हिस्टोग्राम पॉलीगॉन पॉलीगॉन कभी कभी आता है कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कभी कभी आते हैं कुछ टॉपिक्स हैं जो जाहिर है कि बहुत रेगुलर पेपर में आते हैं Thanks. पिक्टोग्राम बार चार्ट जो शुरू के टॉपिक्स हैं ये कम है मैं पाई चार्ट से ही शुरू करूंगा पाई चार्ट बेसिकली एक सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें हम एंगल के जरिए अपने डेटा को शो करते हैं जो पाई चार्ट होता है उसका मेन थीम जो है जो पाई चार्ट होता है उसका मेन थीम होता है एंगल इसका जो फॉर्मूला होता था वो क्या था एंगल इज इक्वल टू इंडिविजुअल क्वांटिटी अपॉन टोटल क्वांटिटी इनटू 360 डिग्री ये एक तरह से ना रेशियो मेथड है जाहिर है कि सर्कल में टोटल एंगल तो 360 होता है तो तुम रेशियो लगा के सारे एंगल कैलकुलेट कर सकते हो हिस्टोग्राम ये बहुत रेगुलर आता है ये बार चार्ट की एक मॉडिफाइड फॉर्म है जो बार चार्ट होता है उसमें जो पिलर होते हैं वो दूर दूर होते हैं हिस्टोग्राम में जो पिलर होते हैं वो रेलेटिवली करीब करीब होते हैं हिस्टोग्राम में जो रॉड्स होती हैं वो करीब करीब होती हैं देखो इसमें जो हिस्टोग्राम की कॉमन केसेस हैं डिस्क्रीट डेटा है डिस्क्रीट नंबर है ग्रुप डेटा है ग्रुप डेटा इक्वल इंटरवल डिस्क्रीट और ग्रुप डेटा अनईक्वल इंटरवल ये हिस्टोग्राम के ये हिस्टोग्राम के जो कॉमन एग्जाम्पल्स हैं कॉमन टाइप्स हैं उनकी लिस्ट है ग्रुप डेटा इक्वल इंटरवल एंड कंटिन्यूस ये सबसे सिंपल टाइम है ये सबसे सिंपल वर्जन है हिस्टोग्राम का इसमें क्या होता है कि जो इंटरवेल्स होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं जीरो से फाइव फाइव टू टेन टेन टू फिफ्टीन फिफ्टीन टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव अब तुम्हें यहां पर नजर आ रहा है देखो ये ना ये हिस्टोग्राम का सबसे कॉमन वर्जन है तुम इसमें देख सकते हो कि सारे जो पिलर्स हैं सारी जो रॉड्स हैं सारी जो रॉड्स हैं वो बिल्कुल इक्वल है देखो अब ये जो डेटा कहलाता है 50 टू 60, 60 तरह का जो डेटा है इसको कहते हैं कंटिन्यूस डेटा और इसमें सारे इंटरवल बराबर हैं तुम जब प्लॉट करो तो चूंकि पहला नंबर 50 है तो तुम उसको थोड़ा सा जंप देकर यानी जैकेट लाइन बना लो और जैकेट लाइन बनाकर फिर उसको ड्रॉ करो ये बड़े नंबरों में ये होता है और आजकल नए पेपरों में वैसे ये भी है कि एग्जामिनर जो है वो खुद आपको जो एग्जामिनर है वो आपको खुद भी उसमें मौका देता है कि वो स्केल खुद बना देता है ठीक है अब ये जो बार चार्ट ये जो हिस्टोग्राम है ये सबसे फंडामेंटल हिस्टोग्राम है ग्रुप डेटा इक्वल इंटरवल एंड डिस्क्रीट इसमें हम क्या करते हैं कि डेटा में ना गैप आता है ब्रेक आता है और उसमें फिर हम क्लास बाउंड्रीज यूज करते हैं जो दो तरह की होती है एक कहलाती है अपर बाउंड्री और दूसरी कहलाती है लोअर क्लास बाउंड्री अब देखो अलेवन टू ट्वेंटी ट्वेंटी वन टू थर्टी बीच में गैप आ रहा है ट्वेंटी के बाद ट्वेंटी वन है थर्टी के बाद थर्टी वन है फोर्टी के बाद फोर्टी वन है इसमें गैप आ रहा है जब ऐसा गैप आएगा तो तुम पहले निकाल लो क्लास बाउंड्रीज क्लास विथ तो सेम है लेकिन क्लास बाउंड्रीज चाहिए ताकि डेटा कनेक्टेड हो जाए जब डेटा ऐसे क्लास बाउंड्री पे शिफ्ट हो जाए तो फिर तुम उसको प्लॉट करो जब तुम उसके बाद प्लॉट करोगे तो डेटा के जो बार हैं वो बार आप इसमें कनेक्टेड होंगे ग्रुप डेटा अन इंटरवल अब ये जो केस है ये बहुत कॉमन है आजकल और ये कहलाता है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का केस फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विथ यहाँ कभी कभी एग्जामिनर एक स्केल भी यूज करता है स्केल का मतलब होता है रेशो मेथड अब ये देखो तुम इसको एग्जाम्पल को देखना स्क्रीन पर टेन टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू फोर्टी क्लास विथ वेरी कर रही है अगर क्लास विथ वेरी करे तो फिर हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को कॉल करते हैं की पहचान इस तरह के ग्राफ्स होते हैं जिसमें जो पिलर होता है जो ग्राफ के बार हैं उनका आप गौर से देखिएगा साइज वेरी कर रहा है कुछ पिलर मोटे हैं कुछ पिलर पतले हैं ये जो चीज है इसको कहते हैं वेरिएबल दिस इज कॉल्ड वेरिएबल यानी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी केस देखो जब इसका डेटा आता है पेपर में तो ऐसा होता है आपको फ्रीक्वेंसी ए, क्लास विथ सबसे पहले निकालनी चाहिए जब क्लास विथ आप देख लो कि क्लास विथ वेरी कर रही है तो फिर आप फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालो इसके सवाल ज़ाहिर है वो टेबल वाले क्वेश्चन आते हैं अब बेहतर तरीका ये होता है कि जो टेबल तुम्हें सवाल में दिया हो उसी टेबल को मॉडिफाई कर दो जो तुम्हें एग्जाम में टेबल दिया हो उसी टेबल को तुम मॉडिफाई कर दो और उस टेबल को मॉडिफाई करके ना फिर उसी पर लिंक कर दो देखो अब जब तुम इसको प्लॉट करोगे अब जब तुम इसको प्लॉट करोगे तो इसको कहेंगे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी केस यानी पिलर छोटे बड़े है ना और यहीं से वो फॉर्मूला भी बन जाता है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हाइट मैंने एक एग्जांपल शो की है फोर्टी इंटू टू यानी एट्टी अगर तुम ये सवाल कौन सा होता है जिसमें हिस्टोग्राम वो खुद बना देता है हिस्टोग्राम बना देता है और आपसे कहता है कि आप फ्रीक्वेंसी निकालें अच्छा अब यहाँ एक केस एग्जाम्पल देख लो यहाँ पर 15 टू 19, 20 टू 24 ये चल रहा है नीचे मैंने क्लास बाउंड्री बनाई क्योंकि डेटा में ब्रेक आ रहा था अगर तुम देखो तो यहाँ पर डेटा में यहाँ पर डेटा में ब्रेक आ रहा था और फिर आप उसको लेकर चलो तो आप क्लासविट निकाल सकते हो क्लासफिट जो है वो अगर वेरी कर जाए तो तुम समझ जाओ कि सवाल फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मांगेगा तो फिर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकल आती है और फिर तुम उसको जब प्लॉट करोगे तो प्लॉट करके उसी शेप में आ जाएगा अच्छा अब स्केलिंग क्या होती है स्केलिंग कभी कभी पेपर में आता है उसमें क्या होता है कि सवाल शुरू तो वैसे ही होता है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है क्लास विथ है अब तुमने एफ डी निकाल ली क्लास विथ निकाल ली फिर एग्जामिनर कोई तुम्हें स्केल दे देगा या तुम खुद कोई स्केल ले सकते हो जैसे मैंने लिया फाइव ऑफ क्लास विथ इज वन सेंटीमीटर इससे क्या हुआ कि जो क्लास विथ वाला टेबल है वो मैंने दोबारा लिखा इसको कहते हैं स्केलिंग उसके बाद देखो मैंने क्या किया मैंने पॉइंट वन ऑफ फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को वन सी ले लिया तो जो एफ वाला कॉलम है जो एफ वाला कॉलम है वो दोबारा लिखा जा सकता है ऐसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ये टॉपिक कभी कभी आता है इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो और फिर उसको जोड़ो तो एक लाइन ग्राफ बनता है इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हिस्टोग्राम के साथ भी बन सकता है अगर हिस्टोग्राम बना हुआ हो तो उस पर मिड पॉइंट्स को जोड़ दो और दूसरा यह है कि अगर तुम्हें नहीं पता अगर सॉरी हिस्टोग्राम अगर नहीं बना हुआ तो तुम सबके मिड पॉइंट निकालो जैसे जीरो से फाइव है अब जीरो से फाइव का मिड पॉइंट होगा टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव पे डॉट लगा दिया फाइव और टेन का मिड पॉइंट होगा सेवन पॉइंट फाइव इस तरह ट्वेल्व पॉइंट फाइव ऐसे ना मिड पॉइंट मार्क करते जाओ लाइक दिस सबके मिड पॉइंट मार्क कर दिए और उसके बाद मिड पॉइंट को जोड़ो इसको कहते हैं पॉलीगॉन ये बनेगा हमेशा पे कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये बहुत आता है पेपरों में इसमें क्या होता है क्या फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाते हो जैसे आपको यहां नजर आ रहा है आपने पहले वन लिख दिया फिर वन और फोर को ऐड किया फाइव और थ्री को ऐड किया सेवन और फिफ्टीन को ऐड किया एट और सेवन को ऐड करते जाओ और लिखते जाओ इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी के साथ एक और चीज आती है और वो है टेलीमार्क्स लेटेस्ट पेपरों में टेलीमार्क्स आए हैं टेलीमार्क्स में क्या होता है कि आप कट लगाते हैं लाइने मार्क करते हैं दिखाने के लिए आप कट लगाते हैं और कट लगाकर आप उसको शो करते हैं जैसे आपको यहां नजर आ रहा है तीन हैं फिर चार लाइनें हैं फिर पांच हैं और फिर सात हो गई पांच का पैकेट बनता है इसमें ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसका जो देखो जब ग्राफ बनता है इसकी ग्राफ की हमेशा इसकी ग्राफ की हमेशा एक परमिनेंट शेप होती है इस तरह की शेप जो आपको दिख रही है ये वाली शेप होती है जब आप पेपर में ग्राफ्स बनाते हैं तो याद रखिएगा कि डॉट लगाइएगा स्केटर डायग्राम अक्लोती डायग्राम है जहां क्रॉस लगते हैं वहां आप डॉट लगाइएगा और इसमें भी क्लास बाउंड्रीज इन्वॉल्व होती हैं। अब जैसे आपको नजर आ रहा है तो याद रखिएगा कि इसकी जो अपर बाउंड्री है ये प्लॉटिंग में ये इस्तेमाल होती है अपर बाउंड्री जो है उसको यूज करते और फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाते हैं सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर दें तो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी टेबल बन जाता है जब आप उसको प्लॉट करेंगे तो इसकी जो शेप है जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कर्व की शेप है ये शेप हमेशा फिक्स होती है लाइक like दिस इसी तरह बाकी भी आप शेप्स देख सकते हो और जब कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी बन जाती है तो जो हमारी प्लॉटिंग होती है वो हमेशा अपर बाउंड्री पर होती है जब हम प्लॉट करते हैं तो वो अपर बाउंड्री पर प्लॉट कर देते हैं अब जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी ग्राफ दिए हुए होते हैं जैसे यहाँ दिया हुआ है ना तो अब फॉर एग्जाम्पल आपको नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट निकालने हैं नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट लेस देन मिनट तो आप क्या करोगे कि आप फोर्टी फाइव मिनट पे जाओगे और ग्राफ को रीड कर लोगे जो आंसर होगा वही आंसर रख लेंगे अच्छा अगर मोर देन लिखा हो तो आप रीड तो करोगे लेकिन फिर उसको टोटल से माइनस कर दोगे

मीन क्या होता है मीन इज द एवरेज ऑफ ऑल द डेटा वैल्यूज मीन का फॉर्मूला देखो मीन का मेन फॉर्मूला है सिग्मा एक्स अपॉन एन फॉर्मूला जरूर लिखें मेथड तो बहुत सिंपल है सबको ऐड करो और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दो अगर तुम्हें टेबल डेटा दिया हुआ हो तो फिर फॉर्मूला लगता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ ये बहुत पेपरों में आता है रेगुलर है टेबल दिया है आप वर्टिकली मल्टीप्लाई करते जाओ और हॉरिजॉन्टली ऐड करते जाओ अगर ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल दे दिया जाए टेन टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू थर्टी ऐसा टेबल आ जाए पेपर में अगर तुम्हें ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल दिया हुआ हो तो फिर क्या करते हैं फिर ये करते हैं कि पहले ना आप टेबल में जाकर मिड वैल्यूज निकाल लो पहले आप टेबल में जाकर मिड वैल्यूज निकाल लो और फिर उसको रखकर फॉर्मुला लगा दो मिड पॉइंट्स जो होते हैं वो आपको जब मिड पॉइंट्स निकालने होते हैं तो अगर उसमें क्लास बाउंड्रीज की जरूरत पड़े भी तो फर्क नहीं पड़ता मतलब मिड पॉइंट्स आर नॉट इफेक्टेड बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ क्लास बाउंड्रीज मिड पॉइंट अनचेंज रहते हैं जैसे मैंने देखो यहाँ क्लास बाउंड्रीज निकाली है ना अगर मैं क्लास बाउंड्रीज ना भी निकालता तो भी मिड पॉइंट यही आते तो मिड पॉइंट जो है ना वो क्लास बाउंड्री से इफेक्ट नहीं होते अब जैसे इस तरह के सवाल पेपर में आ सकते हैं जिसमें डेटा में ब्रेक है आप पहले मिड वैल्यूज निकालोगे और मिड वैल्यूज निकाल के फॉर्मूला में डाल दोगे अब आज मोड इट इज द मोस्ट रिपीटिंग स्कोर इन अ डिस्ट्रीब्यूशन देखो अब जैसे ये डेटा है मैंने इसको फॉर्मेलिटी के लिए एसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है ताकि बेहतर आ जाए अब यहाँ पर मोड की वैल्यू आ रही है थ्री मोड क्या होता है वो नंबर जो सबसे ज्यादा मरतबा रिपीट हो जाए अगर दो नंबर एलिजिबल हो जाए मोड के लिए तो या तो वो दोनों लिख दो या फिर लिख दो देर इज नो मोड देखो टेबल डेटा टेबल डेटा में जो आपकी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है उसके ऊपर जो नंबर होगा वो मोड मोड है मतलब स्कोर हाईएस्ट अब अगर ग्रुप डेटा हो तो फिर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे जाकर हम मोड नहीं निकालते बल्कि हम निकालते हैं हम निकालते हैं मोडल क्लास इट द मिडल स्कोर ऑफ अ पॉपुलेशन मीडियन क्या है मीडियन किसी मीडियम जो है वो किसी स्कोर का मिडल होता है तुम डेटा को पहले एसेंडिंग में अरेंज कर लो ठीक है डेटा को पहले अगर रॉ डेटा है तो पहले एसेंडिंग में अरेंज कर लो असेंडिंग में अरेंज करने के बाद दोनों तरफ से एक एक नंबर काटते जाओ तो बीच में या तो दो नंबर बचेंगे या एक बचेगा अगर आपका डेटा इवन है तो बीच में दो नंबर बचेंगे अगर डेटा ऑड है तो फिर बीच में सिर्फ एक नंबर बचेगा देखो अब यहां एक नंबर Even total has two middle terms, and odd total has one middle term. Median from a cumulative frequency curve. ये बहुत आता है पेपरों में y एक्सिस का टोटल आधा करो और उसको x एकस एक्सिस पे रीड कर लो जैसे आपने पहले हाफ किया हाफ करके x पे रीड कर लिया इसको कहते हैं मीडियन यहां पर एक सवाल आता रहा और वो है बैक टू बैक मीडियन का अब जैसे दो पेपर हैं जैसे आजकल एग्जाम्शन हो रही हैं अब दो पेपर हैं आपने पहले एक पेपर का मीडियन निकाला फिर दूसरे पेपर का मीडियन निकाला फिर आपने उसको कंपेयर कर लिया जो पेपर मुश्किल होगा उसका मीडियम मार्क कम होगा अब टेबल डेटा में क्या करते हैं टेबल डेटा में तरीका यह होता है टेबल डेटा में प्रोसीजर यह होता है टेबल डेटा में प्रोसीजर यह होता है कि सबसे पहले सिग्मा एफ निकालो जैसे एन आ गया अगर एन इवन है तो उसके दो मिडल टर्म्स होंगी, जैसे सिग्मा एफ थर्टी है तो थर्टी के दो मेडल होंगे फिफ्टीन और सिक्सटीन अगर ऑड हो तो फिर क्या करो फिर अप्रोच होगी एक मेडल एन प्लस वन अपॉन टू जैसे ट्वेंटी नाइन है तो ट्वेंटी नाइन का एक मेडल होगा अब जो तुम्हारी मिडल टर्म है ना उसको तुम फ्रीक्वेंसी वाली रो में जाके लोकेट करो और फिर उसका कॉरेस्पॉन्डिंग स्कोर रीड कर लो अब देखो ये वाली चीज एग्जाम्पल दे रहा हूं अब यहां सिग्मा एफ ट्वेंटी है मैंने देखा नीचे के ट्वेंटी के दो मिडल टर्म्स होंगी एक टेन और एक अलेवन मेरे पास दो नंबर आए टेन और अलेवन मैं वहां से गिनता जाऊं फाइव प्लस थ्री एट हो गया एट प्लस सिक्स फोर्टीन दोनों नंबर टू के नीचे क्रॉस हुए तो वो मीडियम अगर एक नंबर वन में क्रॉस होता एक टू में क्रॉस होता तो फिर मैं ये करता कि फिर मैं दोनों को यानी वन और टू को लेता और उनको एड करके ना टू से डिवाइड कर देता अगर अगर सिग्मा एफ Odd number है तो फिर मिडल टर्म एन प्लस वन अपॉन टू के रूल से निकलेगी आप उसमें क्या करोगे आप उसमें जैसे यहां देखो plus one upon two, upon two हो गया ये आ गई ninth term. अब आप उसको यहां लोकेट कर लो ऐड करते जाओ अब यहां देखो मीडियन आ रहा है टू इसी तरह हमने क्वेश्चंस क्लास में किए थे इंटरपोलेशन ये जो टॉपिक है लीनियर इंटरपोलेशन ये असल में एक रेशियो मेथड है ये अपने नाम से नहीं आता यानी पेपर में ऐसा नहीं होता लिखा हो यूज लीनियर इंटरपोलेशन ये असल में रेशियो मेथड है और ये इस तरह के क्वेश्चंस में आता है जहां इंटरवेल के बीच में जाकर कहीं डेटा निकालना हो जैसे यहां पर आपको बताना है फोर्टी फाइव स्कोर लेकिन फोर्टी फाइव तो यहाँ बीच में आएगा तो हम क्या करते हैं कि इंटरवेल को ना ब्रेक करते हैं जैसे फोर्टी से अगर तुम देखो तो फोर्टी से फिफ्टी की क्लास वेट है टेन फोर्टी से 50 की क्लास विथ है 10 फ्रीक्वेंसी 6 है तो अगर मैं 40 से 45 कर दूंगा तो क्लास विथ हाफ हो जाएगी फ्रीक्वेंसी अब आप खुद निकाल लें रेशो से फ्रीक्वेंसी निकालकर उसमें ऐड कर दें इसको कहते हैं लीनियर इंटरपोलेशन पॉपुलेशन वन फोर्थ अब देखो यहां तीन तीन सेक्शन बने हुए अपर रॉ डेटा हो तो तरीका क्या है कि पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो ठीक है आपने अरेंज कर लिया डेटा को पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो फिर जो सेंटर का नंबर होगा वो मीडियन होगा वहां से पीछे आओ उसका सेंटर लोअर क्वार्टाइल होगा आगे जाओ वहां से सेंटर अपर क्वार्टाइल होगा अगर दो दो नंबर हो तो वही कर लो ऐड करो अगर दो दो नंबर हो तो ऐड करो और टू से डिवाइड कर दो देखो इस तरह के क्वेश्चन हमने क्लास में किए थे और मैंने आपको बताया था कि क्वार्टाइल्स में ज्यादातर एग्जामिनर का इंटरेस्ट होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज पर अब क्वार्टाइल ग्राफ से भी निकलते हैं यानी फोर्थ निकालो वन -फोर्थ निकालो और फिर उसको रखकर सवाल आता है इंटर क्वार्टाइल रेंज पर ये बताता क्या कि ये किसी पॉपुलेशन का जो सेंट्रल फिफ्टी परसेंट होता है उसको कहते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज जैसे कुछ लोग कहते हैं पेपर बहुत अच्छा हुआ कुछ कहते हैं पेपर बहुत खराब हुआ लेकिन ज्यादातर लोग बीच में चलते हैं जब एक अच्छा स्टैंडर्ड पेपर आता है तो ज्यादातर लोग बीच में होते हैं इसको कहते हैं दिस इज कॉल्ड क्वार्टाइल रेंज अब जैसे हमने कर्व बना लिया अब आप क्या करते हो कि पहले अगर आपको मीडियम निकालना है तो हाफ पे जाके रीड कर लो फिर वन फोर्थ रीड कर लो और फिर थ्री फोर्थ रीड करो अब तुम्हारा जो वन फोर्थ और थ्री फोर्थ है उसको अगर तुम माइनस करो तो वो बन जाएगा इंटरकोटाइल रेंज सेम प्रोसीजर है पहले आप हाफ रीड करो फिर आप रेंज निकाल लो आईक्यूआर आर परसेंटाइल परसेंटाइल लेटेस्ट पेपरों में बहुत ही कम है और परसेंटाइल होता क्या है कि तुम्हें कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कर्व तो बनाने को आता ही है वो तो रेगुलर सवाल है ये उसके बाद एक परसेंटेज क्रिएट करता है जैसे सेवन परसेंटाइल तो तुमने 80, 40 का सेवनटी परसेंट निकाला और उसको तुमने जाकर एक्सिस पे रीड कर लिया इसको कहते हैं परसेंटाइल वेल well, हमने ये बड़ा चैप्टर पूरा रिवाइज कर लिया इस चैप्टर से रिलेटेड अगर किसी के पास कोई क्यूरी है तो वो पूछ ले चूंकि एडमेस और मैथ्स के पेपर बहुत क्लोज है मतलब मेरे ख्याल में एक ही दिन का गैप है तो आप मैथ्स और मैथ्स को अभी आज कल कोशिश करो कि दोनों को थोड़ा टाइम दो फिर मैथ्स को ज्यादा फोकस करना पड़ेगा जिनके पास मैथ्स है उनको भी जाहिर है कि सैटरडे संडे मंडे जो है वो उनको फुल एडमैस को फोकस करना पड़ेगा एडमैस का अपना एक थ्रेट लेवल होता है लेकिन मैथ्स का पेपर वन के बाद पेपर टू जो है वो प्रिडिक्टेबल होता है क्योंकि तुम उसमें देख सकते हो कौन कौन से टॉपिक नहीं आए अच्छा ये कोई बता सकता है कि मैथ्स के पेपर वन में क्या स्केटर डायग्राम आई थी वो जो बेस्ट फिट लाइन होती कोई अगर बता सके माइक पर या चैट पे कि क्या स्केटर डायग्राम आई थी ठीक है तो स्केटर डायग्राम फिर आ सकती है पेपर टू में अच्छा क्या वेक्टर का टॉपिक आया था हम्म वेक्टर आ गया स्कैट डायग्राम इसी चैप्टर का पार्ट है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी इसी चैप्टर का पार्ट है ये दोनों टॉपिक्स मैंने रिवाइज करवा दिए थे अच्छा जीटी भी नहीं आया तो जीटी को भी फिर आने ही आने मैंने क्या किया था मैंने जब वो न्यू टॉपिक्स रिवाइज करवाए थे तो मैंने आपको उसमें ना ये रिवाइज करवा दिया था ये जो टॉपिक है ना रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और सही है तो इसका मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन को भी आना ही आने तो ये पेपर प्रेडिक्टेबल होता है मैं आपको चैप्टर्स की एक लिस्ट भेजूंगा और आप लोगों में से कोई भी उस लिस्ट में से जो टॉपिक आ गए हैं वो मुझे हाईलाइट करके वापस अलग से भेज दे तो पेपर हाईलाइट हो जाता है क्योंकि पेपर टू मैनेजेबल होता है पता चल रहा होता है क्योंकि अगर आप लोग कह रहे हो जीटी नहीं आया तो जीटी ने आना है फिर अगर स्कैटर डायग्राम नहीं आई तो वो आनी है अच्छा व्हाट अबाउट लोकस लोकस आया अच्छा लोकस्ट आया ठीक है कुछ चैप्टर्स हैं जो पेपर टू में हर साल आते हैं आई विल शेयर द लिस्ट में नोट्स तो मैं ग्रुप पे चीजें शेयर करता हूं आप उनको जरूर देखो पेपर टू सौ मार्क का है और जाहिर सी बात है पेपर टू बहुत अच्छा परफॉर्म होता है पाकिस्तान में हमारे यहाँ पाकिस्तान में पेपर वन इतना अच्छा परफॉर्म नहीं होता जितना पेपर टू परफॉर्म होता है एनीवेज आपको प्लानिंग ये करनी है कि अभी आज का दिन और कल का दिन आप कोशिश करें कि अगर आपके पास एडमेस है तो आप दोनों को टाइम दें और अगर आपके पास एडमेस नहीं है तो फिर तो आप ज्यादा टाइम दे सकते हैं मैथ्स आपका मेन सब्जेक्ट है और मैथ्स का ही मैथ्स अकलौता कंपल्सरी सब्जेक्ट है तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं और मैं ये करूंगा इनशाला अभी कि मैं आपको स्टेटिस्टिक्स की जो टॉपिकल पास पेपर डिजिटल फाइल है वो भेज दूंगा आप उसमें से कुछ क्वेश्चन जरूर ट्राई करें जो पेपर टू है वो टॉपिकल इंप्रूव किया जा सकता है लेकिन जिन लोगों ने अभी तक 2020 और 2021 के पेपर पूरे नहीं किए उनको चाहिए कि पहले वो पूरे कर लें 2020 और 2021 ये पेपर पहले पूरे कर लें और उसके बाद जो टाइम बचे उसको भी टॉपिकल प्रैक्टिस के लिए फोकस कर सकते हैं आज की क्लास यहीं तक है और हम इसको इनशाला अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे अल्लाह हाफिज लाहफिस तंसीस आज का पेपर कैसा हुआ केमिस्ट्री वाला जो लोग अभी हैं इस वक्त मैं पूछना भूल गया केमिस्ट्री का पेपर कैसा था आसान था मुश्किल था अच्छा आपने छोड़ दिया था पीफा ओके ठीक है इट्स तो ओके अल्लाह हाफिज़